हम मौजूद है राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जहाँ पे अभी हम शहीद स्मारक पे हाजिर हैं, जहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि भाई कुछ प्रोटेस्टर्स हैं जो कि मंत्रालय के एकता मंत्र के यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं। तो सर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू सर। सर आपका इंट्रोडक्शन और आपकी क्या मुख्य डिमांड्स हैं, क्यों आप ये धरना दे रहे हैं? गजेंद्र सिंह राठौड़ हूँ, मैं मंत्रालय की एकता मंच का कोर कमेटी सदस्य और महासंघ एकीकृत का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारी जो पिछले 4 साल से, यूँ मानिए कि कई वर्षों से एक ही मांग चली आ रही है कि ग्रेड पे 4200 किया जाए, द्वितीय पदोन्नति का ग्रेड पे 4200 किया जाए, जो हमारी मुख्य मांग है। क्योंकि हम कई विभाग ऐसे हैं जिनमें एलडीसी भर्ती के लिए हमारे सेम एग्जाम का पैटर्न है, एक साथ फार्म भरते हैं, एक ही ग्रेड पे लेवल पे भर्ती होते हैं। उसके बावजूद भी हम एलडीसी और यूडीसी हर विभाग में समान है, परंतु 98 के बाद में हमारा जो डिस्पेरिटी हुआ उसमें हमें 5000 रख दिया गया और दूसरे कई अन्य कैडर हैं उनको 5500 रख दिया गया। तो हमारी राज्य सरकार से मांग है कि हमारी जो मुख्य जो है द्वितीय पदोन्नति 4200 की जाए, तथा 2013 में कांग्रेस सरकार ने हमें ग्रेड पे 1900 से 2400 दिया था और इसी आधार पे 2400 वालों को 2800 दिया था। तो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि 4 साल और कुछ महीने तक हमने जो सुविधाएं जो ली है, जो राज्य सरकार ने हमें जो ग्रेड पे का लाभ दिया है, वो 30/17 के आदेश से उसकी कटौती कर दी गई और सातवें वेतन आयोग में आते आते वो जो है लेवल 5 में 20,800 हो गया। हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्रेड पे लेवल है वो 25,500 होनी चाहिए। तो हमारी कई दिनों से मांग भी है और 30/17 को जो आदेश हुआ उसके बाद हमने उसके खिलाफ निरंतर आवाज़ उठाई, परंतु सातवां वेतन आयोग उसमें वो लेवल घटा दिया गया। तो हमारी कोई ख़ास मांग नहीं है, सिर्फ ये है कि हमारी जो द्वितीय पदोन्नति है वो 4200 की जाए और वेतन कटौती की गई 30/17 के आदेश से उसको बहाल किया जाए, जिससे हमारा 25,500 हो। तथा अन्य हमारे जो अभी कैडर रिव्यू के नाम से जो पद काटे गए हैं एलडीसी और यूडीसी के, तो हम चाहते हैं राज्य सरकार से कि जो यूडीसी के पद काटे गए उनका जो रेशियो है वो बढ़ाया जाए, जिस तरीके से 24% यूडीसी और 47% एलडीसी है। हम चाहते हैं कि एलडीसी का चाहे रेशियो कम किया जाए, परंतु यूडीसी का रेशियो 30% किया जाए जो 24% है, तो जिससे नीचे के जो आरंभिक कर्मचारी उनकी पदोन्नति का लाभ मिलेगा और इसी बात को लेके नए जो कर्मचारी उनमें इस बात का रोष है। तथा हम जो इसे 2013 में गहलोत सरकार ने हमें जो 26,000 पद दिए थे उनमें से जो बकाया पद है 7,000-8,000 के बीच में कुछ पद हमारे बकाया है, उन पदों को पुनः दिया जाए, जिससे मंत्रालय कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर मिले और हर कर्मचारी पदोन्नत हो सके। इसी बात को लेकर हमने राज्य सरकार को कई बार ज्ञापन भी दिए और हमारी वार्ता भी हुई, हमने सभी कर्मचारियों को मिला के एक एकता मंच बनाया था और एकता मंच को मुख्यमंत्री महोदय ने बुला के हमसे बातचीत की थी 16 तारीख को, और 17 को हमारी ACS फाइनेंस के मुख्यमंत्री निर्देश के बाद में हमारी वार्ता हुई, परंतु कोई सकारात्मक निर्णय नहीं निकलने के कारण आज हम यहाँ 48वें दिन क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं। सर जी, पूरे राजस्थान में आपकी कितनी तादाद है, कितनी संख्या है? राजस्थान में मंत्रालय कर्मचारी करीबन 68,400 के लगभग राज्य सेवा में, परंतु कई ऐसे भी विभाग है जो राज्य सेवा से अलग है, वो तकरीबन कुल मिला के 30-35 हज़ार वो भी है, तो करीबन 1 लाख के लगभग मंत्रालय कर्मचारी है, उन सभी को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो सर जैसा कि आप यहाँ पे बैठे हैं 48 दिन हो गए हैं आपको लगभग, लेकिन अभी कोई बीच में वार्ता हुई है, तो उसमें वार्ता में से आपको लगा है लक्षण के कुछ इनके इच्छा है करने की या फिर टालने की इच्छा है, क्या कैसा लगता है? निश्चित तौर पे हमें सरकार से जब भी वार्ता हुई है तो ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं था, सब नेगेटिव बात थी, परंतु जब 16-17 तारीख को हमारी फाइनेंस सेक्रेटरी मोदे से वार्ता हुई और वार्ता के बाद हमें अब लगने लगा था कि हमारी जो मांग है वो जायज़ है, क्योंकि हमारे देखिए एलडीसी यूडीसी हम दोनों बराबर हैं, ऊपर के पदों में हमारी भिन्नताएं हैं, तो या तो जो हमारे साथ भर्ती होते हैं सब कुछ है होशियार है उनको 2800 दे दी जाए, तब तो यहाँ डिस्पेरिटी नहीं होती। पर डिस्पेरिटी इस बात की है कि 3600
एक भाई है उसको 3600 दिया जा रहा है, एक को 4200 दिया जा रहा है। एग्जाम दोनों की सेम 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 एग्जाम है, सेम विज्ञप्ति आती है, सेम लेवल है और सारे कुछ सब कुछ सेम है, LDC UDC भी सेम है। तो उनमें डिफरेंस क्यों किया जाता है, मतलब क्या इस पे बेस पे किया जाता है, क्या आधार है? ये राज्य सरकार ऐसा कहती है कि हमें जब RS का एग्ज़ाम होता है उसमें RS मेन में पास होता है उसकी अलग ग्रेड होती है और RTS और इंस्पेक्टर की ग्रेड पे अलग होती है। तो हमने सरकार से ये कहा कि ठीक है, हम मानते हैं कि उनकी अलग होती है, निश्चित तौर पे होती भी है, परंतु उनकी ग्रेड पे इनिशियल ग्रेड पे में भिन्नताएँ हैं। तो हम कह रहे हैं हमारे साथ है, अगर वो कोई भी क्वालिफाई करने के बाद वो सबसे टॉपर है तो उनको ऊपर की ग्रेड देनी चाहिए, हमारे बराबर ग्रेड पे है तो, और LDC UDC हम बराबर हैं तो उनको ऊपर करना चाहिए। ये जो डिस्पेरिटी है, क्या दूसरी पदोन्नति होती है तब जाके हम कमज़ोर होते हैं, ऐसा होता है क्या कहीं? मुझे नहीं लगता कि नेचुरली बात करी जाए तो ये सब सही बात है। तो हमारी फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल जी अरोड़ा से बातचीत हुई थी और बातचीत में कुछ हद तक वो आए भी हैं, परंतु अभी उन्होंने हमें कहा कि हम मांग पत्र पे आपके पे कुछ डिस्कस करते हैं और सभी विभागों से मंगवाते हैं कितना क्या होता क्या नहीं होता, परंतु अब दोबारा कोई वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। तो सर जी, जैसा कि पूरे राजस्थान में आपकी तादाद लगा बता रहे हैं 68,000 के लगभग है ना, और 40,000 वो गैर सरकारी हैं, लेकिन तादाद के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपकी बड़ी गैदरिंग जो होनी चाहिए थी वो महसूस नहीं हो रही है। तो क्या आपने कुछ पाबंदियाँ लगा रखी है कि अभी शुरुआत में इनिशियल स्टेज पे हम बात कर रहे हैं, उसके बाद में कुछ बढ़ाया जाएगा, तादाद को आह्वान किया जाएगा, तो उसके बारे में बताएं थोड़ा सा क्या है? निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हो तादाद के बारे में ये सही बात है, परंतु हमने दो बार राजस्थान का दौरा किया और हर बार यही कहा या दो बार रैली भी की और कर्मचारियों को ये कहा गया था हमें एक बार शक्ति दिखानी, उसके बाद हम अगर सरकार नहीं करेगी, हमें बजट से पूर्व बहुत आशाएं थी, संवाद हुआ था मुख्यमंत्री जी से और उनके सामने हर मांग रखी थी, तो हमने कहा बजट में कुछ अच्छा हो जाएगा, परंतु हुआ नहीं। और हमने ये तय किया था कि हम कर्मिक अनशन करेंगे, गांधीवादी तरीके से अनशन करेंगे, राजस्थान के कर्मचारियों को कहा कि आप लोग अपने हिसाब से देखिए, हम लोग 5 आदमी प्रतिदिन कर्मिक अनशन पे रहेंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं करेंगे। और इससे हम आप पूछ रहे हो कि भीड़, तो भीड़ हमने बुलाई नहीं कभी, आह्वान नहीं है हमारा। और निश्चित तौर पर मानिए कि अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो आह्वान भी किया जाएगा। लेकिन सर देखने में आ रहा है कि सरकार अभी या तो बदल जाएगी या फिर रिपीट हो जाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं नवंबर में, तो सरकार को कुछ तो सोचना होगा आपके बारे में और उम्मीद भी होगी आपको कि ज़रूर सोचा जाएगा, लेकिन कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं क्या? नहीं, निश्चित तौर पे सरकार आए जाए इससे कर्मचारियों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसकी सरकार आती है किसकी नहीं जाती है, तो हम लोग इसमें नहीं पड़ते हैं कि सरकार बदलना जनता का काम है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं हमारी मांगें जायज है, हम मांगों को लेके सरकार किसी की भी हो उसके सामने दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, इसलिए ऐसा कोई इशू नहीं है कि सरकारों का, और हम तो हमारी मांगें हमारी संगठनों का काम ही मांगें सरकार के सामने रखना, धरना प्रदर्शन करना या गांधीवादी तरीके से आंदोलन करना, और इस बात को लेके हम लोग निश्चित मानिए कि जो मांग कर रहे हैं ये हमारी जायज़ मांग है, इसको हम सरकार से मनवा के रहेंगे। तो सर आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या आप कड़ा रुख अपनाएंगे? निश्चित तौर पे अभी हमारा जो है कर्मी कंसन है, कर्मी कंसन के बाद में मुझे नहीं लगता है कि सरकार किसी भी कर्मचारी से कोई बेर मोल लेगी, कोई भी सरकार हो बेर मोल नहीं लेगी, अगर हमारी जायज़ मांग है उसको पूरा कराने के लिए हम वचनबद्ध हैं। तो अभी हमसे बात कर रहे थे जो कि मंत्रालय के एकता मंच के जो पदाधिकारी थे, सर आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और हम यही कहना चाहेंगे कि जैसा कि सर बता रहे थे कि इनकी क्या क्या डिमांड्स है, तो हमें उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी डिमांड्स को सुनेगी और इन्हें पूरा करने की कोशिश करेगी, और आगे भी आप हमारे साथ में इसी तरह बने रहिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।